हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज से हम अपना एक नया सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है GS पेपर 4। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो भी स्टार्ट करते हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट कोर्स लेकर के आते हैं। और मेरा उद्देश्य यही है कि जो लोग कोचिंग नहीं करना चाहते हैं वो कोचिंग ना करें, घर पे बैठकर ही अपने सारे स्टडी करें। कोई भी चैनल आपको मिलेगा नहीं यूट्यूब पे जो कि आपको कंप्लीट सिलेबस दे, किसी भी एक सब्जेक्ट का। आप यूट्यूब पे खोज मारिए, नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो उतना कम्प्रिहेंसिव नहीं मिलेगा जैसा कि आपको चाहिए टू द पॉइंट एग्जाम में लिखने के लिए। तो मेरा उद्देश्य दोस्तों यही है कि जो लोग कोचिंग नहीं करना चाहते हैं या फिर उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो उनके लिए सारा कोर्स एकदम कंप्लीट फ्रीली अवेलेबल हो। चूंकि मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं जानता हूँ कि सिलेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, किस तरह से आपके नोट्स होने चाहिए, किस तरह से आपके पॉइंट्स होने चाहिए लिखने के लिए, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से मैं ये सब सारी चीज़ें डिज़ाइन करता हूँ ताकि आपका जो कोर्स है वो कम्प्लीटली एकदम कम्प्लीट हो, उसमें कुछ इब्बत ना हो, ठीक है ना। हालांकि अगर हम फोर्थ पेपर की बात करें तो इसमें एक जो आपका एक पार्ट है, वैसे भी सिलेबस को हम तीन पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट जो हमारा है वो है थ्योरेटिकल, जो कि आप अगर एग्जाम में भी देखेंगे तो थ्योरी जो पहला पार्ट आता है वो थ्योरी का पार्ट आता है, सेकंड पार्ट जो आता है वो केस स्टडी का आता है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हम तीन तरह के, तीन पार्ट में हमने पूरा सिलेबस डिवाइड किया है और तीन पार्ट में ही हम लोग पढ़ेंगे भी। लास्ट में हम केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी चूंकि देखिए, अब कितनी भी केस स्टडी हम करवा दें, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ से कुछ उस तरह से रिलेट करके पूछे, लेकिन कुछ टाइप्स होते हैं और इनफैक्ट 7-8 टाइप्स होते हैं। 7-8 टाइप्स के हम एक्सरसाइज करेंगे केस स्टडी को सॉल्व करने का, ठीक है ना, जिसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम विथ इथिक्स होगा, इन्वायरमेंट वर्सेज इथिक्स होगा, ठीक है ना, ह्यूमन राइट वर्सेज इथिक्स होगा, और आपका जो ड्यूटी है जिसको हम बोलते हैं कि कोड ऑफ इथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में, इससे रिलेट करके जो हम केस स्टडी देख लेंगे, प्रोबेटी से रिलेटेड देख लेंगे। फिर उसके बाद जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल है और जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल या कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और जो ह्यूमन ड्यूटी है, इससे रिलेट करके हम केस स्टडी देख लेंगे, तो कंप्लीट हो जाएगा केस स्टडी भी। आप जो है उस पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि आपको किसी भी तरह का केस स्टडी दे, आप उसको कर लेंगे। इसके पहले दोस्तों, जैसे जिस तर्ज पे हम अपना GS पेपर 4 कवर करने जा रहे हैं, इसी तर्ज पे हम गवर्नेंस कवर किए हैं, तो एकदम वही डिजाइन होगा, उसी तरह से PPT बनेंगे, उसी तरह से समझाने का तरीका होगा। और गवर्नेंस का रिस्पांस बहुत अच्छा है, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और इथिक्स का जो ये GS पेपर 4th का जो स्टार्ट करने का कारण था, उसमें सबसे बड़ा कारण यही था कि लगातार डिमांड आ रही थी कि सर आप इसको स्टार्ट करिए। कारण यही है कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में ही आपको ये मिलेगा कि बी प्रोवाइड द कंटेंट ऑन योर डिमांड। आप जो भी डिमांड करेंगे हम उसको फुलफिल करेंगे, और पूरी कोशिश रहती है कि एकदम फ्रीली लेक्चर होंगे, कंप्लीट लेक्चर होगा, कंप्रिहेंसिव होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक बार आप सारे वीडियो लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद हमारा PDF आप जो है पढ़ लीजिए, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे हमको आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हालांकि कुछ मैं नॉमिनल फीस लगाता हूँ इस PDF का, क्योंकि जो PPT है ये मैं नहीं बनाता, ये मेरे साथ के जो लोग हैं वो बनाते हैं, ठीक है ना। तो उनको चाहिए होता है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पैसा लगा देता हूँ, और ₹49 आपको पे करने होंगे इसके PDF के लिए, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज़ ये है कि PDF अभी आपको नहीं मिलेगी, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे PDF के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। तो PDF भी आपको मिल जाएगा और पूरा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आज के लेक्चर में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे और सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मेंशन है। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको अगर ये यूजफुल लग रहा हो लेक्चर तो अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, ठीक है ना। तो चलिए, जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस का जो पार्ट 1 है उसमें जो देखिए, ये जो पूरी पूरी चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ, ये पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है जो UPSC ने सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। प्रॉब्लम यहाँ पे दोस्तों ये आती है कि इस सिलेबस में ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इसकी मीनिंग, इसका मतलब ही नहीं समझ पाते लोग कि इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है।
हम बहुत ही आसान भाषा में आपको बताएंगे कि इस टॉपिक का मतलब क्या है और इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, और इवन यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जैसे देखिए, इथिक्स है और ह्यूमन इंटरफेस है। मतलब ये कि इथिक्स का ह्यूमन के साथ आमना सामना होने पर कैसे लोग सोसाइटी में रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे सोसाइटी को चलाते हैं, यही इसका सार है, ठीक है ना। पहला टॉपिक हमारा इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। दूसरा ह्यूमन वैल्यूज। वैल्यूज का मतलब होता है कि प्रेफरेंसेज। आसान भाषा में हम लोग पढ़ेंगे जब इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है, ये आपके प्रेफरेंस होते हैं, ठीक है ना। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए क्या इथिकल है, क्या नहीं इथिकल है। उसके साथ साथ इसी टॉपिक में एक चीज और पूछता है, कुछ थिंकर्स के एक दो लाइन दे करके पूछता है कि आप इसको डिस्क्राइब कीजिए, ठीक है ना। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जो लाइन देता है, जो भी स्टेटमेंट देता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसका हूबहू मीनिंग लिख के चले आते हैं। यूपीएससी इसको चाहती ही नहीं, यूपीएससी चाहती है कि ये जो लाइन है इसको आप अपने भाषा में समझाइए कि आपके लिए ये कितना महत्व रखता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके लिए क्या है, ठीक है ना। तो यूपीएससी हमेशा आप देखते होंगे कि एक स्टेटमेंट जरूर देता है किसी ग्रेट थिंकर का, और अगर इस तरह से देखा जाए कि हम सारे थिंकर्स को पढ़ने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि कुछ थिंकर्स को आप जो है फाइंड आउट कर लीजिए, जिसको आप पसंद करते हैं, आप आइडियल मानते हैं, आपको लगता है कि उनकी आइडियोलॉजीज ठीक है। और इनफैक्ट अगर यूपीएससी की बात करें तो विवेकानंद को ले लीजिए, कलाम साहब को ले लीजिए, सदगुरु को ले लीजिए, कुछ और स्पिरिचुअल गुरु हैं जो हैं उनको ले लीजिए, कुछ ग्रेट लीडर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ले लीजिए, हिस्ट्री के कुछ लोगों को उठा लीजिए, फिलोसफी के एक दो लोगों को उठा लीजिए, जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है ना। तो उनको उठा लीजिए और वहीं से जो है आप अपना आंसर लिख पाएंगे बहुत ही आसानी से, ओके। तो तीसरा जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है एटीट्यूड से रिलेटेड। एटीट्यूड में हम देखेंगे कि एटीट्यूड होता क्या है, कंटेंट क्या है उसका, एटीट्यूड का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। इसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर भी और आपके साथ जो रह रहे हैं उनके ऊपर भी क्या पड़ता है, ठीक है ना। रिलेशन विद टाट एंड बिहेवियर फॉर पार्ट टू ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना। ये देखिए केस स्टडी में भी यहाँ से रिलेट करके पूछता है। उसके बाद द मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, ठीक है ना, इसके बारे में भी देखेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन क्या होता है, इसके भी बारे में हम लोग देखेंगे, और ये पार्ट वन में पूछा जाता है। उसके बाद हम अभिक्षमता की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे। देखिए हमेशा इसको याद रखिएगा कि ये स्किल और टैलेंट से अलग होती है क्षमता, ठीक है ना, जो अभिक्षमता होती है। फिर उसके बाद फंडामेंटल वैल्यूज सिविल सर्विसेज के क्या होते हैं, अपने चौथे पार्ट में हम इसको देखेंगे। इंटीग्रिटी मतलब एकता, एकाग्रता, जो भी आप कह सकते हैं, एकता कह लीजिए। फिर उसके बाद इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप, इस दोनों को एक साथ रिलेट करके हम लोग देखेंगे। इसमें सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी भी हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चंस जो है ना ऐसे सीधा सीधा पूछता है कि इसमें और इसमें अंतर बताइए, इसको या इसको डिफाइन कीजिए, तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे इसको। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, इंटीग्रिटी, प्रोबिटी, इन सब चीज़ों को रिलेट करके वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। फिर उसके बाद डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विसेज का क्या मतलब होता है, इम्पथी, सिंपथी क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, टॉलरेंस और कंपैशन में क्या अंतर होता है इसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसका फंक्शन क्या होता है कि जो वीकर सेक्शंस हैं उनको फायदा कैसे हो, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों को समझ में ही नहीं आता है क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका यूटिलाइजेशन देखेंगे कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं फील्ड में, और फिर उसके बाद अप्लीकेशन इसका एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, और गवर्नेंस में इसका अप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पब्लिक या सिविल सर्विसेज वैल्यूज एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहीं पे आपका कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। इथिकल कंसर्न, डायलेमास, ठीक है ना। उसके बाद जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके काम करने का तरीका, उनका इथिक्स क्या है, ठीक है ना। स्टेटस एंड प्रॉब्लम्स इसमें ही आता है। फिर उसके बाद लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कंसियंस, ठीक है ना। और उसके बाद ये किस तरह से आपके नैतिकता को गाइड करते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस, एक तरफ अकाउंटेबिलिटी है, एक तरफ एथिक्स है, इसमें कैसे कन्फ्लिक्ट होता है इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ऑफ इथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस, कैसे हम मजबूत कर सकते हैं जो इथिकल और मोरल वैल्यूज हैं लोगों को, जो सिविल सर्वेंट हैं। फिर उसके बाद इथिकल इशूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग, ये बहुत बड़ा इशू, इनफैक्ट जब से कोविड आया है तब से तो और ही इसका इम्पोर्टेंस हो गया है।
अभी ये काफी ज्वलंत मुद्दा है, ठीक है ना। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, आजकल ये इतना न्यूज में क्यों है, हालांकि एक बार गवर्नेंस में भी हम लोग इसको देख चुके हैं, यहाँ पे फिर से देखेंगे, ठीक है ना। सातवां जो है हमारा टॉपिक है वो है प्रोबिटी, ईमानदारी, ठीक है ना। इसका मतलब तो ईमानदारी ही होती है, लेकिन ये ऑनेस्टी का बाप होता है, ऑनेस्टी से भी स्ट्रॉन्ग प्रोबिटी होता है। ऑनेस्टी और प्रोबिटी में एक छोटा सा अंतर होता है, हालांकि अच्छे से भी समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा केवल ये जान लीजिए कि प्रोबिटी तब होती है जब आपको कोई ना भी देख रहा हो, तब भी आप इथिकल रूप से काम करिए, नैतिक रूप से काम करिए, तो उसको हम प्रोबिटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसका फिलोसॉफिकल बेसिस देखेंगे, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी देखेंगे गवर्नेंस में, राइट टू इंफॉर्मेशन, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड और चैलेंजेस ऑफ द करप्शन, ये सब टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे, तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हमारा होने वाला है। उसके बाद जो हमारा पार्ट टू है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, जो हमारा पहला वाला टॉपिक था उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। पहले वाले टॉपिक में हम जब पहला टॉपिक करेंगे तो उसमें कुछ हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ फिलोसफर, कुछ मोरल थिंकर्स के बारे में उठा करके देखेंगे, उनके कुछ अच्छे जो उन्होंने सेइंग्स हैं, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत डील कर लेंगे। और फिर जो तीसरा हमारा पार्ट होगा वो होगा केस स्टडी का। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही यूजफुल होने वाली है आपके लिए। अभी आज हम केवल सिलेबस के बारे में बात किए हैं, अभी ही अगर आपकी कोई डिमांड है, कोई सजेशन है, कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं, उसको जरूर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले लेक्चर में मिलते हैं स्टार्टिंग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।